भी है कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म से, जिसके अंदर हम आर ले रहे थे रेडियस, एंगल हमारा था थीटा, जो इक्वल आता था टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स की फॉर्म में। वहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर जी लिया हमने, एक्स प्लस एटा वाई की जगह पे कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा लिया। इतना लेट अगर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन प्रूव दैट जी एन इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा की पावर एन इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस एटा साइन एन थीटा। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? यस मैम आ रही। ओके, डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन के अकॉर्डिंग कि अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को, मैम थोड़ा सा ऊंची बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। मैं ऑलरेडी ही बहुत ऊंची बोल रही हूँ। जी एन आप कॉम्प्लेक्स नंबर की जितनी भी पावर्स ले लेंगे, वो पावर उसकी पावर जो है वो एंगल के साथ रिपीट हो जाएगी, मीन एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंगल उतनी ही रिपीटेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ आएगा। आप लोगों में से अगर किसी को आवाज स्लो आ रही है तो आप मीटिंग रीज्वाइन करें लीव करने के साथ। जी इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, हमने यहाँ पे इसको शो करना है। जी एन इज इक्वल टू अगर पावर एन ले लेते हैं तो बेसिकली आपका सिंप्लीफिकेशन पावर एन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी एंगल के साथ। फॉर ऑल इंटीजर्स एन, तमाम इंटीजर्स के लिए, मीन पॉजिटिव नेगेटिव तमाम नंबर के लिए हम इसको प्रूव करेंगे। प्रूफ व्हेन एन इज इक्वल टू जीरो, हम इसे वन जीरो वन टू थ्री और फिर नेगेटिव और पॉजिटिव तमाम नंबर के लिए इसे प्रूव करेंगे। ठीक है, When n is equal to zero, जब n is equal to zero लेंगे, mean ये z number दिया है आपके पास, यहाँ पर आप secondly z की power n लेंगे, जो कि हमने यहाँ पे n is equal to zero लिया। अब हमने ये proof करना है कि अगर हम n की power n sorry zero ले रहे हैं, तो जो आपके पास resultant result आएगा, वो cos zero theta plus iota sin zero theta की form आएगी। ठीक है, जहाँ पे एन आ रहा है वहाँ पे जीरो आएगा। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने लिया व्हेन एन इज इक्वल टू जीरो, जब आप जीरो लेंगे तो इट्स मींस समथिंग पावर जीरो इज इक्वल टू वन। ठीक है, और वन इज इक्वल टू कॉस जीरो किसके इक्वल होता है वन के, एंड प्लस अयोटा साइन जीरो जीरो के। इट्स मीन मैं वन को लिख सकती हूँ कॉस जीरो प्लस अयोटा साइन जीरो। जीरो है, जीरो के साथ ए बी सी किसी चीज को मल्टीप्लाई करा ले उसने जीरो ही रहने। हमने रिक्वायर्ड एंगल थीटा, तो हम यहाँ पे जीरो मल्टीप्लाई बाय थीटा कर देंगे और जीरो मल्टीप्लाई बाय थीटा, जिसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा कि अगर हम अपने गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर जीरो ले लेते हैं तो रिजल्टेंट भी वो पावर उसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई होकर उसका एंगल ही बन जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ है? अब सेकेंड इसमें हम n इज इक्वल टू वन लेके प्रूफ करेंगे। व्हेन n इज इक्वल टू वन, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर वन इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, समथिंग पावर वन एज इट इज सेम वेरिएबल और कॉन्स्टेंट ले रहे हैं, किसी भी चीज की पावर नहीं दी जाती तो हम कहते हैं वो वन होती है। वन दी जाए उसका भी सेम मीनिंग है कि हमारे पास जो नंबर एज इट इज ही आएगा। कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा की पावर वन इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, थीटा मल्टीप्लाई वन वन क्रॉस थीटा एंड प्लस थीटा साइन वन थीटा। थीटा है, थीटा के साथ मैं वन लिख सकती हूँ, वन से कोई फर्क नहीं आएगा, एज इट इज वो वन ही बन जाएगा और थीटा एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अभी हमने इसको जीरो के लिए प्रूफ किया है और वन के लिए प्रूफ किया है। अब फर्दर हम इसे
के लिए लिखेंगे और के प्लस वन के लिए इसे प्रूफ करेंगे. ना सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के. हमने यहाँ पे सपोज किया है कि सेम इसी तरह ये रिजल्ट जो जीरो वन टू थ्री के लिए हम प्रूफ कर रहे हैं, सिमिलरली ये रिजल्ट इसी तरह के लिए भी प्रूफ है. हम इसे सपोज करें कि ये के लिए ट्रू है. अगर ये के लिए ट्रू है तो ये के प्लस वन के लिए भी ट्रू होगा. के प्लस वन के लिए हम इसे प्रूफ करेंगे. हमने सपोज किया है कि ये के लिए ट्रू है. यहाँ पे हमने इसको प्रूफ नहीं किया कि ये वाकई ही के लिए प्रूव है. बाय मैथमेटिकल प्रिंसिपल इंडक्शन एक चीज़ हम जब सपोज करते हैं उससे रिलेटेड दूसरी प्रूफ कर रहे होते हैं, तो आफ्टर रिजल्टेंट अगर वो चीज़ प्रूफ हो जाती है तो जो हमने सपोज की होती है वो भी ट्रू होती है. ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे सपोज किया है. नाउ सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के. दैट इज जो नीचे बन रहा है cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा की पावर के इज इक्वल टू cos के थीटा प्लस योटा साइन के थीटा. देन नाउ वी विल प्रूव cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा पावर के प्लस वन. अब हम इसे प्रूव करेंगे. इसको प्रूव करने के लिए के प्लस वन है. वेरिएबल की पावर जब ऐड हो तो इट्स मीन वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं. मीन मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में मैं इसे लिख सकती हूँ cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा की पावर के एंड cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा की पावर वन. के पावर है, हमने ऊपर सपोज किया कि ये चीज़ ट्रू है, तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट लगा सकती हूँ cos के थीटा प्लस योटा साइन के थीटा. cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा आपस में यहाँ पे इसके साथ आएंगे जो कि मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म बनेगी. मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लीकेशन से आपके पास ये फॉर्म आ रही है. अब अगर आप देखें तो आपके पास मल्टीप्लीकेशन के बाद रियल पार्ट बन रहा है एंगल cos अल्फा प्लस बीटा वाला, इसमें आता है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा. सिमिलरली रियल पार्ट आपके पास बन रहा है यहाँ पे साइन के थीटा cos थीटा प्लस cos के थीटा साइन थीटा की फॉर्म. जो रिजल्टेंट में आपके पास फॉर्मूला बन रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा, दोनों के साथ थीटा फॉर्म बन रही है इसलिए हम एंगल में से थीटा कॉमन ले सकते हैं. हमने यहाँ पे लिखा है cos k प्लस वन थीटा प्लस योटा साइन k प्लस वन थीटा, यानी कि दोनों वैल्यूज में k थीटा प्लस थीटा था, हमने थीटा बाहर लिख लिया. ठीक हो गया. उससे फर्दर जो है हमारे पास cos k प्लस वन थीटा प्लस योटा साइन k थीटा वन, अगर आप यहाँ पे चेक करें यही चीज हम शो कर रहे थे. कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर k प्लस वन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन उसके एंगल के साथ चली जाती है, यानी कि वो उसका एंगल ही बन जाती है. ठीक हो गया, ये चीज प्रूव हो गई. इट्स मीन कि गिवन वैल्यू जो हमने सपोज की थी कि हमारे पास जो ये cos थीटा साइन थीटा की पावर के है, करवाती हूँ एक मिनट अगेन आपको बता देती हूँ, जो हमने चीज सपोज की थी वो भी ट्रू है. रिपीट कर देती हूँ, हमने अब k प्लस वन लिया था, k वैल्यू सेपरेट की थी और वन वाली वैल्यू सेपरेट की है. के वाली तो बाय अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो हमने सपोज की है कैन इज इक्वल टू के लिए चीज़ ट्रू है, तो हमने यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई की है. के मीन उसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो गया. मल्टीप्लीकेशन के बाद हमने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई करेंगे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को हमने यहाँ पे कंबाइन करके लिखा. मैम ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम थीटा के साथ जो पावर है वो डिवाइड कर सकते हैं. आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्या? हमने लेकिन अभी हम इसको मैथमेटिकल प्रूफ करें कि cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा की पावर k प्लस 1 है. जब प्रूफ करते हैं तो ब्रीफली प्रूफ करते हैं, जब आप इसे क्वेश्चंस में करोगे तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो. हमी जो आपने लिखा है cos k थीटा प्लस थीटा, ये cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है. बिल्कुल, ये अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है. ये चीज जो है जो मैंने हाईलाइट किया है cos थीटा माइनस sin k थीटा sin थीटा, ये इक्वल आता है cos k थीटा प्लस थीटा के. और जो सेकंड वाली है एटा sin k थीटा cos थीटा प्लस cos k थीटा sin थीटा, वो इक्वल आती है साइन के थीटा प्लस थीटा के. ठीक हो गया. डज द ट्रुथ
of the statement for n is equal to k implies it proves for n is equal to k plus 1. So that means कि जो हमने ऊपर value ली थी कि हमने suppose की थी कि n is equal to k के लिए चीज true है, तो ये k plus 1 के लिए भी true है. Here by the principle of mathematical induction, we say that cos theta plus iota sin theta के power n is equal to cos n theta plus iota sin n theta. For all n belong to z positive. तमाम z पॉजिटिव यानी कि तमाम इंटीजर जो है पॉजिटिव के लिए भी ये चीज ट्रू हुई है. अब हम इसे नेगेटिव के लिए भी प्रूव करेंगे. क्वेश्चन दिया गया था, सॉरी थ्योरम में ये था कि टेम्पोरल इंटीजर मीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अभी हमने जैसे इसे पॉजिटिव के लिए प्रूव किया, जीरो के लिए प्रूव किया, हम इसे नेगेटिव के लिए प्रूव करेंगे. नेगेटिव के लिए हमने सपोज किया ना, सपोज एन इज आर इंटीजर नेगेटिव, n is equal to minus m. अब हम इसे minus m के लिए प्रूव करेंगे. cos theta plus iota sin theta की पावर n is equal to n किसके को लिया हमने minus m के. minus m लिया इट मीन मैं इसको minus 1 एंड m भी लिख सकती हूँ. minus 1 हमने अंदर ले लिया, ओवर में चला जाएगा, ठीक है. नंबर जो है वो ओवर में जाकर पॉजिटिव हो जाएगा. 1 की पावर m और cos theta की पावर m लेंगे. डोमिनेटर डिनोमिनेटर की पावर m आएंगी. m के अकॉर्डिंग आपके पास बीम ऑब्वियस थ्योरम में यहाँ पे यूज करूंगी, जो पॉजिटिव के लिए भी हमने किया है. हम इसको भी नेगेटिव के लिए शो कर रहे हैं. पॉजिटिव के लिए हमने यही किया था कि पावर पॉजिटिव होगी तो अंदर जाके एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है. यहाँ से m अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब आगे फर्दर जो हमने प्रोसीजर किया है वो इस नंबर की सिंप्लीफिकेशन के लिए किया है, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ओवर की फॉर्म में डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं आता. इसके फर्दर में सिंप्लीफिकेशन होगी. सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे. जब आप इसे रैशनलाइज करोगे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हुए, हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. मल्टीप्लीकेशन जब होगी तो वन के साथ एज इट इज ही आ जाएगा, cos m theta plus iota sin m theta. Over में आपके पास formula complete हो रहा है a square minus b square. लेकिन यहाँ पे जो plus का sign आया है वो iota की वजह से आया है. आपके पास formula जो complete हो रहा है वो ये formula complete हो रहा है, cos m theta का square minus iota sin m theta का square. iota का square minus one, जिसकी वजह से ये जो सेंटर वाला माइनस है ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है. अब क्लियर हो गया यहाँ पे प्लस किस फॉर्म में लिखा है. ये प्लस इसी फॉर्म में लिखा है क्योंकि आयोटा का स्केयर आएगा जिसकी वजह से माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे. अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा इसके इक्वल आएगी वन के, इसलिए डिनोमिनेटर वाली वैल्यू स्किप हो जाएगी. तो आपके पास सिंपल यहाँ पे रह जाएगा cos m theta minus iota sin m theta. cos m theta minus iota sin m theta. cos minus m theta plus iota sin minus m theta. ये बेसिकली ये सेंटर में आपके पास यहाँ पर आ रहा है माइनस का साइन. अगर इस माइनस के साइन को मैं अंदर एंगल बना दूँ कॉस के साथ एंगल पे इफेक्ट नहीं आएगा, तो आप लोग पहले पढ़ चुके हो. फिर भी मैंने यहाँ पे साइड पे मेंशन किया है कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. कॉस अपना माइनस के साइन को मर्ज कर लेता है, लेकिन साइन अपना माइनस का साइन जो है वो बाहर निकाल देता है, ठीक है. साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. इसी दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग ये माइनस जो है अरेंज किया है हमने, माइनस वाला साइन के साथ चला जाएगा और हमने एंगल सेम बनाना है, इसलिए हमने यहाँ पर कॉस के साथ भी माइनस एम लिख लिया. फर्दर ये माइनस एम ने किसके इक्वल लिया था, एन के इक्वल लिया था, वो यहाँ पे दोबारा लिख देंगे. दस द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जी मीन पॉजिटिव नेगेटिव तमाम नंबर्स के लिए हमारा ये थ्योरम. मैम अभी आपने कहा कि साइन के अगर साथ मैम आपने कहा था कि साइन के साथ माइनस हो तो बाहर निकाल देता है, ये लास्ट में आंसर में प्लस लिखा है ना कि ऊपर वाले स्टेप में माइनस एम लिखा हुआ है, तो ये बाहर नहीं आएगा, ये दरमियान में दोनों का माइनस नहीं आएगा आंसर में. ये देखिए माइनस था पहले ही,
हम अपना थ्योरम प्रूव कर रहे हैं कि हमारे पास जो पावर हमने माइनस एम ली है तो बेसिकली क्या पावर बन रही है, ठीक है। हमने वो माइनस अंदर लेके जाना है, हमने अपने थ्योरम को फॉर ऑल एन के लिए प्रूव करना है। यहाँ पर हम बेसिकली थ्योरम प्रूव कर रहे हैं ये चीज प्रूव करें, तमाम नंबर के था पॉजिटिव नेगेटिव, आप कोई सा भी नंबर ले लें, उसके लिए हम cos n theta plus theta sin n theta प्रूव करें, ठीक है। इसलिए हमने वो दरमियान वाला जो साइन है उसको पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव करने के लिए वहां पे मैंने उसको नेगेटिव को अंदर ले ली हूँ, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर पॉजिटिव साइन ही होता है, नेगेटिव साइन नहीं आता। अगर नेगेटिव साइन होगा कहीं पे भी, लाइक अगर मेरे पास यहाँ पे मैं लिखती हूँ, मेरे पास यहाँ पे नंबर है 3 - 4 iota, इट्स मीन कि ये मेरे पास नंबर है 3 + -4 iota, ठीक है। आयोटा के साथ नेगेटिव नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो पॉजिटिव फॉर्म में आता है, नेगेटिव साइन जो आ रहा है वो बेसिकली नंबर के साथ नेगेटिव आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये नेगेटिव फॉर्म बनती है। इसीलिए थ्योरम में भी वो नेगेटिव साइन नहीं है, वो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि थ्योरम भी उसने हमें पॉजिटिव वाई प्रूव करने के लिए कहा है, इसलिए हमने वो नेगेटिव साइन जो है वो कॉज और साइन के साथ एंगल के साथ जोड़ दिया, ठीक है। एंगल के साथ जोड़ेंगे क्वेश्चन पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपकी सिंप्लीफिकेशन भी हो जाएगी। अच्छा मिस, यहाँ से बता दिएगा जरा ना, जी कोस स्क्वायर एम थीटा प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा ये कहाँ गया जो बटे में वैल्यू है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? ओ वन वन के, ठीक है वन। तो ये बेसिकली एम थीटा उसका एंगल है, कोई सा भी एंगल ले लो स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा तो वो इक्वल फॉर्म आता है, ठीक है ठीक। अब नेक्स्ट है क्रॉलरी। क्रॉलरी बेसिकली थ्योरम से ही रिजल्ट निकाला जाता है, जिसमें जस्ट थोड़ी सी माइनस ही चेंजिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रूफ होता है, प्रूफ थ्योरम के अकॉर्डिंग ही होता है क्रॉलरी का, लेकिन थोड़ी सी माइनस ही चेंजिंग के साथ। यहाँ पे आपके पास कहता है जी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका इन्वर्स जो है वो इस फॉर्म में है cos थीटा माइनस थीटा sin थीटा। हमने अभी जो प्रूफ किया है थ्योरम का, अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को नोट करें तो हमने यहाँ पे प्रूफ करनी है ये चीज, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है, माइनस यही माइनस साइन, यहाँ पे थ्योरम हमने क्या प्रूफ किया है कि अगर आप पावर एन लेते हैं पॉजिटिव नंबर की तो वो पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है, चाहे वो पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नंबर पॉजिटिव की ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, सिंप्लीफिकेशन आप इस तरह मत यूज करें। अब कह रहे हैं अगर वो नेगेटिव नंबर है यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स है उसकी पावर ले रहे हैं तब भी इफेक्ट नहीं रहेगा, तब भी आपके पास एंगल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहेगा। कॉस थीटा माइनस थीटा साइन थीटा ये हम पहले भी ऊपर अभी करके हटे हैं, कॉस माइनस थीटा प्लस थीटा साइन माइनस थीटा मैं इसे लिख सकती हूँ, बिकॉज कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। We have left hand side cos theta minus theta sin theta की पावर n is equal to हमें cos theta को किसमें लिख सकते हैं minus theta n plus iota sin minus theta and whole की पावर क्या n, ये by 1.1 जो है 2 ये थ्योरम का नंबर दिया गया है, आपने थ्योरम का नंबर नहीं देना, आपने थ्योरम का नियम लिखना है by de Morgan's theorem। We can write cos minus n theta plus theta sin minus n theta because according to de Morgan's theorem, power change into angle. Cos minus n theta plus theta sin minus n theta. अब again minus को बाहर ले आए, simplification कर लें तो आपको पता चलेगा cos n theta minus theta sin n theta. As required जो हमें required चीज थी, अब according to theorem और Crawley हमने ये prove हुआ है complex number की
सेंटर में पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई, पावर जो भी आएगी वो पावर उसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी। क्लियर है? अब डी मॉर्गन थ्योरम से अकॉर्डिंग पॉइंट्स है थोड़े से, ये हम प्रूफ भी करेंगे इसी एक्सरसाइज के लास्ट पे हैं प्रूफ इसके। कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर जीरो ले लें, जैसे रियल की होते हैं नंबर इसी तरह यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर जीरो ले लें, जैसे समथिंग पावर जीरो इज इक्वल टू वन, इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर जीरो लेंगे वो इक्वल टू वन आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर पावर एम प्लस वन है तो फिर हम पावर एम एंड सेपरेट नंबर पावर एन भी लिख सकते हैं। z की पावर माइनस एम इज इक्वल टू माइनस वन मल्टीप्लाई एम भी लिखा जा सकता है। इसे नेक्स्ट पे z की पावर एम, z की पावर एन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाती है, उनकी एड हो जाती है। नेक्स्ट पे कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर एम एंड देन एन लें, ये तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई करके भी लिख जा सकती हैं। दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनकी पावर एन आ रही है तो इट्स मीन वो दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगी। ये अभी तो जस्ट यहाँ पे एज इट इज डिफाइन किए हुए हैं एक्सरसाइज के लास्ट पे, मैं इनका प्रूफ क्लियर जो मैं करवाऊंगी आप लोगों को। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8 है। Evaluate square root of 3 minus iota over square root of 3 plus iota ki power 6. Question number 1 of exercise according to this method. अब यहाँ पर अगर आपको question देखने, तो question में जस्ट ये बोला है कि evaluate अगर सिंपल लिखा जाए तो आप पे डिपेंड करता है आपने इसको किस मेथड के साथ evaluate करना है। आप लोग इसको पहले फर्स्ट ईयर में सिंपल मेथड के साथ सॉल्व करते आए हो, लेकिन अब आप इसको डी मॉर्गन के साथ सॉल्व करेंगे हम। लेकिन अगर पेपर में आप लोगों को मेंशन नहीं होता कि आप लोगों ने इसको किसके साथ सॉल्व करना है तो आप पे डिपेंड करता है आप इसको सिंपल मेथड से कर लें या डी मॉर्गन के साथ कर लें। क्वेश्चन हियर, हमने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सेपरेट सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं इसे डी मॉर्गन थ्योरम के साथ कर रही हूँ। z1 is equal to square root of 3 minus iota. अब इसको डी मॉर्गन थ्योरम के साथ सॉल्व करने के भी दो मेथड हैं। नंबर वन पे आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी कि जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में है दोनों को सेपरेट सॉल्व करके उसकी पावर लेंगे। पावर लेने के बाद आप दोनों को डिवाइड कर लें और रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा। सेकेंड मेथड यह है कि आप पहले इसे सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करें। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करने के बाद आप इसे डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करते हुए पावर 6 लेंगे तब भी आंसर सेम होगा। ठीक हो गया? अब जिस मेथड से मैं यहाँ पे इसे सॉल्व कर रही हूँ, मैं दोनों नंबर को सेपरेट ले रही हूँ। पहले मैंने वो नॉमिनेटर का नंबर लिया z1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा। डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करने के लिए कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। मैंने सबसे पहले आर्गुमेंट जी वन इज इक्वल टू टैन इनवर्स एंगल फाइंड करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स वाई ओवर एक्स के फॉर्म में। वाई यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस वन, और एक्स आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस वजह से रिजल्टेंट आपके पास एंगल आ जाएगा माइनस फाइव ओवर 6। ठीक है, अब आगे फर्दर जो है हमारे पास इसमें इसका हमने रेडियस फाइंड करना है यानी कि इसका मॉडुलस फाइंड करना है। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, एंड सेकेंड वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1 एंड होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। आपके पास 4 का स्क्वायर रूट बनेगा जो इक्वल टू 2 आएगा। अब इसको z1 जो हमने लेफ्ट नंबर किया है
के रूट ऑफ 3 माइनस ए होता है, इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो पोलर फॉर्म हमारे पास क्या होती है, आर कॉस थीटा प्लस ए होता है साइन थीटा। आर रेडियस हमारे पास यहाँ पे 2 आया है, ठीक है, रेडियस हमारे पास 2 है। आगे कॉस थीटा प्लस ए होता है साइन थीटा, थीटा हमने फाइंड किया माइनस पाई ओवर 6, साइन थीटा भी क्या आएगा माइनस पाई ओवर 6। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी पावर हमारे पास क्या थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी पावर जो है वो 6 है, ठीक है, पावर 6 है तो हम इसकी पावर लेंगे। पावर लोगे तो आपके पास ये पावर 6 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी एंगल के साथ, बाय डी मॉर्गन थ्योरम आपके पास ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी, कटिंग होगी, कटिंग होने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कॉस माइनस पाई प्लस ए होता साइन माइनस पाई। कॉस पाई आपके पास इक्वल होता माइनस वन के एंड साइन पाई माइनस पाई इक्वल होता है 0 के, तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 2 की पावर 6। ठीक है, अभी हमने इसको नॉमिनेटर वाले नंबर को सॉल्व किया है, अब हम डिनोमिनेटर का नंबर लेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ऊपर बताया कि आप लोग पहले जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेते हैं या दोनों को सेपरेट सॉल्व करके फिर उसको डिवाइड कर लें। यहाँ पे अब उसने सेकंड लिया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस ए होता, आप इसको सेकंड फॉर्म में भी ले सकते हो कि आप इसको 1 ओवर की फॉर्म में ना लें, जस्ट आप इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस ए होता ले लें, जो लास्ट पे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर वो ये फॉर्म बनेगी z1 ओवर z2, आंसर वही आएगा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने लिया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस ए होता, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी रैशनलाइज फॉर्म करेंगे। अगर आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो आप यहाँ पे देखें आपके पास रैशनलाइज के बाद ये जो नंबर बन रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस ए होता, ये बेसिकली अगेन नॉमिनेटर वाला नंबर भी बन रहा है जो हमने पहले ऊपर सॉल्व किया। अगेन इसकी पोलर फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखें आपके पास यही फॉर्म बन रही है, यही चीज़ आ गई है इसको रैशनलाइज करने के बाद, इसलिए ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आप इसको यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो कि आंसर क्या आया था माइनस 2 की पावर 6। ठीक हो गया, अब इसको फर्दर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारे पास ये फॉर्म बन रही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में टोटल जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था वो ये फॉर्म थी, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कटिंग होगी और आंसर आ जाएगा 1। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है वो इसी मेथड के अकॉर्डिंग है कि आपने सबसे पहले गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने उसको डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग ही करना है। मैम ये z1 और z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहां डिवाइड नहीं होंगे, ये डिवीजन इस फॉर्म में होनी थी। अगर यहां पे z2 नंबर सिर्फ ये लिया जाता नॉमिनेटर, सॉरी डिनोमिनेटर, उसने 1 ओवर के साथ लिया है, रैशनलाइज किया है, इसलिए ये मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया या नहीं? जी मैम, अगर ये हम दूसरा ले लें z1 और z2, ये तकसीम होंगे, अगर हम वैसे ना बोले 1 ओवर के बटे में ना लें, वैसे ही ये ले लें। हाँ बिल्कुल, आप वैसे ले लो, वैसे भी हो जाएगा, लेकिन वैसे ही होगा कि आप इसको इसकी दोबारा पोलर फॉर्म सारी फिर बना लो, फिर आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो वो रैशनलाइज कर रहा है, सेम आ जाती है, इसलिए उसने उसको सॉल्व नहीं किया दोबारा, फिर डायरेक्ट आंसर भी लिखा। ठीक है, लेकिन आप इसे उस मेथड के साथ भी कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 9, प्रूव दैट cos x plus iota sin x की पावर n। अगर आप यहाँ पे देखें, अब ये मेरे पास डी मॉर्गन थ्योरम की फॉर्म नहीं बन रही, डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग वैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म के अकॉर्डिंग cos थीटा प्लस iota sin थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे sin x प्लस iota cos x दी है और कहते हैं इसको प्रूव करना है आपने, ये चीज एग्जैक्ट फॉर्म बन जाती है ये, यानी कि आयोटा साइन के साथ और कॉस वैसे आ जाता है। हमें फॉर्मूलाज बताए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 में भी किए हैं, कॉस एक्स इज इक्वल साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई ओवर 2 माइनस एक्स एंड कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन पाई ओवर 2 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम अपने लेफ्ट साइड लेंगे तो उसमें ये पुट करेंगे, आफ्टर पुट करने के बाद आपके पास पावर एन आ रही है, बाय डी मॉर्गन थ्योरम पावर जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर आपके पास रिजल्ट में चीज प्रूव हो जाएगी जो हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया,
अब आपके पास जो एक्सरसाइज 1.2 है यहाँ पे उसने बताया नहीं है कि आपने डी मॉर्गन थ्योरम के साथ करना है, लेकिन आपने इसे डी मॉर्गन थ्योरम के साथ ही करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये आप लोगों ने खुद करने हैं। कल आपके साथ जब क्लास होगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे, अगर किसी से नहीं होंगे तो आप लोग मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर मैं एग्जांपल नंबर 10 करवाऊंगी, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी अभी सॉल्व आउट करेंगे हम। आप लोगों में से अभी कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करें, मैंने आप लोगों की अटेंडेंस लेनी है, माइक ऑन करेंगे तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। इवनिंग के स्टूडेंट्स ही हैं, अभी इवनिंग के हैं, अरे इवनिंग के हैं। इफ एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा शो दैट एक्स एन प्लस वन ओवर एक्स एन इज इक्वल टू टू कॉस एन थीटा प्लस फॉर्म में हमारे पास कॉस आएगा और माइनस के साइन में एन आएगा, सॉरी साइन आएगा। नंबर दिया हुआ है थीटा एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, इसके अकॉर्डिंग पावर अगर आप ले लेते हैं इनवर्स की पावर भी, तो आपके पास एडिशन के फॉर्म में टू कॉस आ रहा है और सबट्रैक्शन के फॉर्म में साइन आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ है कि हमारे पास नंबर दिया और हमने क्या शो करना है। नंबर हमारे पास ये दिया हुआ है, हमने इस नंबर की पावर एन लेनी है और इसके इनवर्स की पावर भी एन लेनी है और उसको ऐड भी करना है और सबट्रैक्ट भी करना है। सबसे पहले मैं इसकी पावर एन लूंगी, ठीक है, बाय डी मॉर्गन थ्योरम जब आप इसकी पावर एन लेंगे तो पावर एंगल की जगह पर चली जाएगी। ठीक हो गया, पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगा। अब इसका इनवर्स लेंगे 1 ओवर x, ये फॉर्म बनेगी, इनवर्स की पावर लेंगे तो आपके पास ये डायरेक्ट भी लिखी जा सकती है। आप लोग जरा जल्दी से दोबारा मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन क्लियर कर दूं। If x is equal to cos theta plus iota sin theta, show that x की पावर n प्लस 1 और x की पावर n दोनों को ऐड किया जाए तो हमारे पास 2 cos n theta and negative किया जाए n के सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 2 iota sin n theta आएगा। x नंबर लिया हमने, उसकी पावर ली है, डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग पावर जो है वो एंगल बन जाएगी, यानी कि एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हमें सेकेंड एलिमेंट यानी कि 1 ओवर x n यहाँ से शो करना है। 1 ओवर x लेंगे, 1 ओवर x लोगे तो आपके पास बनेगा 1 ओवर cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, इसको रैशनलाइज कर लें, रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी। या आप सेकेंडली इसकी पावर नेगेटिव कर लें और बाय डी मॉर्गन थ्योरम आप क्या करेंगे माइनस पावर फिर अंदर एंगल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इम्प्लीकेशन के बाद बनेगा cos थीटा माइनस थीटा sin थीटा। अब इसे 1 ओवर x n मेन बोथ साइड पे हम पावर एन लेंगे, ये सारा प्रूफ अभी हमने क्रॉलरी में किया है, आप इसे बेशक कर लें या रहने दें, डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास अकॉर्डिंग टू थ्योरम पॉजिटिव साइन सेंटर में आएगा तो पावर एंगल बन जाएगी, क्रॉलरी के अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन आएगा तब भी पावर जो भी आएगी वो उसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है,
यहाँ पे उसने डायरेक्ट नहीं किया, उसने सिंप्लीफिकेशन की है थर्मोडायनामिक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ही, जैसे हमने पहले किया है कि हमारे पास नेगेटिव साइन है, उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने वो एंगल के साथ नेगेटिव साइन मर्ज कर दिया, उसे नेक्स्ट स्टेप में पावर एंड मल्टीप्लाई किया तो वो माइनस एन थीटा बन गई है, उसके बाद फिर माइनस के बाहर निकाल दिया तो आपके पास कॉस एन थीटा माइनस थीटा साइन एन थीटा बन गया। अब आप यहाँ से मुझे बताएंगे, मैं इसे हाईलाइट करूंगी, वन ओवर एक्स एन ये फॉर्म है और एक्स एन का आंसर ये है, दोनों हाईलाइट मैंने की है, अगर आप इनको यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आता है? आंसर टू कॉस एन थीटा। बिल्कुल, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स एन में से माइनस वन ओवर एक्स एन को तो आपके पास क्या आएगा? मैम जीरो आंसर आएगा। जीरो कैसे आएगा? मैम कट माइनस टू साइन, नहीं सॉरी टू कॉस एन थीटा, टू कॉस एन थीटा, 2 आयोटा साइन एन थीटा आएगा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कॉस 2 कॉस एन थीटा। यस मैम 2 कॉस एन थीटा। सिंप्लीफिकेशन आपके पास यहाँ पर की भी गई है, यहाँ से देखें आप लोग, एक्स एन प्लस वन ओवर एक्स एन, एक्स एन की वैल्यू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, और वन ओवर एक्स एन की वैल्यू है मेरे पास साइन कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉस वाली साइन वाली कैंसिल हो जाएंगी, कॉस वाली रह जाएंगी, और जब आप इसको नेगेटिव साइन के साथ लेंगे तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव में तो आपके पास कॉस वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, अब आपके पास ये चीज प्रूव हो चुकी है जी मैम, पावर एन है तो एंगल के साथ। अब मैं जो दो चीजें हाईलाइट करूंगी, अब आप मुझे यहाँ से बताइएगा कि आपके पास आंसर क्या आएगा। ऐड करेंगे x एंड 1 ओवर x को तो आंसर क्या आ रहा है? 2 cos थीटा, 2 cos थीटा ऐड करेंगे तो 2 आयोटा साइन थीटा। पावर क्या थी x की? 1 1। और आप मुझे डिफरेंस बताएं, जब हमने n पावर ली है और ऐड किया है और जब हमने विदाउट पावर है तब ऐड किया तब डिफरेंस क्या था दोनों में? मैम पावर जब ऐड करेंगे तो n, तो फिर वो साथ आंसर में भी n आएगा एंगल के साथ। बिल्कुल, फिर वो एंगल में भी n आएगा, और अगर पावर 1 है तो एंगल में भी पावर 1 आएगी। ठीक है, ये रिजल्ट जो है क्वेश्चंस में शो होंगे, वहाँ पर जो भी पावर ली जाएगी उसके अकॉर्डिंग मुझे सॉल्व किया जाएगा। ठीक हो गया, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। माइक बंद कर दें जिसका भी माइक चल रहा है। इफ टू कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स वन ओवर एक्स टू कॉस फाई, ये जस्ट नेम चेंज किया है, थीटा है तो एक्स ले लिया, फाई है तो वाई एंगल ले लिया, और आगे साई एंगल के साथ प्रूव दैट हमें यहाँ से इसे प्रूव करना है, टू कॉस थीटा प्लस फाई प्लस साई इज इक्वल टू एक्स वाई जी प्लस वन ओवर एक्स वाई जी, एंड सिमिलरली सेकेंड चीज प्रूव करनी है, टू कॉस एम थीटा प्लस एन थीटा फाई is equal to x m y n plus 1 over x m y n के साथ। मैम फाई के साथ राइट पे लास्ट वाला कौन सा? थीटा फाई एंड साई। साई? साई। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका फर्स्ट पार्ट है, हमें रिक्वायर्ड चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो यहाँ पे मेंशन कर ली है। ठीक हो गया, और हमारे पास ये भी चीज़ें गिवन है, x प्लस वन ओवर एक्स एक्स, वाई प्लस वन ओवर एक्स वी प्लस वन ओवर एक्स। ठीक है, और ये चीज़ें हमने प्रूव की हैं पहले अभी एग्जांपल में, डायरेक्ट भी कहीं लिखी जाए तो अंडरस्टूड है कि हमारे पास x क्या था, x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, y इज इक्वल टू क्या होगा कॉस फाई एटा साइन फाई, एंड z इज इक्वल टू कॉस फाई प्लस एटा साइन फाई के साथ।
हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई कर लें और उनके इनवर्स को ऐड कर दें इनके साथ, तो आंसर क्या था। सबसे पहले तो हम इन तीनों चीज़ों को फाइंड करेंगे एक्स वाई जी को। यहाँ पे हम इन तीनों नंबर्स को मैंने मेंशन किए, मेंशन किया, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप पहले थीटे वाले को फाई के साथ कर लें या फाई को साई के साथ कर लें, आंसर पे इफेक्ट नहीं आएगा। पहले यहाँ पे उसने मल्टीप्लाई किया है कॉस फाई साइन फाई को कॉस साई एंड साइन साई के साथ, जिसके अकॉर्डिंग रिजल्टेंट रिजल्ट बना है आपके पास कॉस अल्फा प्लस बीटा एंड साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। ठीक है, अब दोबारा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा प्लस योटा साइन थीटा के साथ, तो आपके पास फॉर्मूला गेन बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा का और साइन अल्फा प्लस बीटा का, और आपके पास ये फॉर्म बन जाएगा। अब एक्स वाई जी हमने फाइंड किया, अब हम इसका इन्वर्स लेंगे। जब आप इसका इन्वर्स लोगे तो इन्वर्स के अकॉर्डिंग आपके पास जो फॉर्म बनेगी वो फॉर पावर जो है माइनस वन आ जाएगी। डी मॉवर्स के अकॉर्डिंग हम माइनस पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन की माइनस की पावर बाहर आ जाएगी और कॉस का माइनस जो है वो मर्ज हो जाएगा। ठीक हो गया, दस एक्स वाई जी प्लस वन ओवर एक्स वाई जी इज इक्वल टू टू कॉस थीटा प्लस फाइव प्लस फाइव बाय एडिंग वन एंड टू। अब हम दोनों को एड वन और टू को ऐड किया तो हमारे पास यहाँ से साइन आयोटा वाली जो वैल्यू है कैंसिल हो गई है, कॉस वाली वैल्यू ऐड हो गया। ठीक है, अब इसमें सेकंड पार्ट है टू कॉस एन थीटा प्लस एन फाई इज इक्वल टू एक्स एम वाई एम प्लस एन वाई एम। एक्स और वाई का हम दिया गया हमें जो ऊपर भी हमने मेंशन किया है, ये एक्स और वाई इनकी पावर्स लेंगे डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग, पावर्स एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पे एक्स की पावर ली है एम और वाई की पावर ली है एन। ठीक है, बाय डी मॉर्गन थ्योरम दोनों की पावर्स आपस में एंगल के साथ मल्टीप्लाई होंगी। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन एक्स एम और वाई एन हमें चाहिए था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन अल्फा और बीटा वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब हमें इसका इन्वर्स चाहिए, हम इन्वर्स लेंगे पावर माइनस आएगी, डी मॉर्गन थ्योरम अगेन यूज करेंगे तो पावर जो है वो अंदर फिर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा, जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हमें यहाँ पर चाहिए वो आंसर यहाँ पर दोबारा रिपीट हो जाएगा। अभीरा आपको मेरी स्क्रीन क्यों शो नहीं हो रही, बाकी सबको तो शो हो रही है। अब किसी ने कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। वन पॉइंट वन के जो है ना 17 वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, जो उसके पार्ट्स हैं जो 11 या 10 पार्ट हैं उसके, तो वो एक्सप्लेन कर दें कि कौन सा किधर आ रहा है, कौन सी इक्वेशन बन रही है। 1.1 का लास्ट वाला पार्ट है 17, उसके आगे पार्ट है। मैम वो लोकस वाले क्वेश्चन। ओके ओके फाइन। मैम पहले तो ये बात जब शुरू हो रहे हैं, ये 17वां पार्ट शुरू हो रहा है, उधर z इक्वल टू a प्लस b आयोटा फर्ज कर रहे हैं, तो नीचे आके ये जो हो रहा है वो x प्लस y आयोटा आ रहा है, ये मिक्सिंग हो रही है, इसको कैसे करना है, यानी कि उधर कर लें। मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, ये देखें जी, समझ पाएंगे। जब आप z ले रहे हैं, ठीक है, ये आप पे डिपेंड कर रहा है, x प्लस आयोटा y ले लें, a प्लस b ले लें, आयोटा b ले लें,
सी प्लस ए ओटा डी लेने नंबर है आप यहाँ पे भी इसको एक्स प्लस आयोटा वाई मिलो, यहाँ पे भी आप इसे ए प्लस आयोटा बी मिल सकते हैं, ठीक है। ये 10 नंबर को डील करने के लिए हम वेरिएबल की फॉर्म बना लेते हैं, ऐसे इसका कोई पॉइंट मेन नहीं है कि हम ए बी ले रहे हैं या एक्स वाई ले रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पूछें कि सेकंड क्या प्रॉब्लम है। सेकंड मैम ये कभी तो एक वैल्यू आ रही है, कभी एक्स आ रहा है, कभी वाई आ रहा है, तो ये इक्वेशंस कौन-कौन सी बन रही हैं, किस-किस क्वेश्चन में? ठीक है, जैसे मैंने कल पहला क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताती हूँ कि आपके पास जो भी कंडीशन दी होगी हमने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड किया था और वो क्वेश्चन था थर्ड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का हमारे पास यहाँ पे थर्ड पार्ट था, जिसके उसने यहाँ पे रियल जी प्लस टू सारा यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर जाके दोबारा उसका मॉडुलस लिया था। यहाँ पे मॉडुलस बिल्कुल नहीं दिया गया, अगर आप देखें यहाँ पे मॉडुलस की लाइंस ही नहीं है। कहता आपके पास एक नंबर है रियल, यानी कि आपने रियल पार्ट लेना है 21 नंबर का जो कि जी प्लस टू है। जी नंबर हमारे पास गिवन नहीं है, ए प्लस योटा बी एक्स प्लस योटा वाई कुछ भी आप ले लें, इसको कैलकुलेट करें। यहाँ पे देखें कैलकुलेशन की है, कैलकुलेशन करने के बाद उसका रियल पार्ट लें, ठीक है। हमने उसका रियल पार्ट लिया, रियल पार्ट लेंगे और इक्वल टू में जो भी आ रहा है वो माइनस वन है। हमने उसका रियल पार्ट लिया जो कि बन रहा है एक्स प्लस टू इज इक्वल टू माइनस वन, और आपके पास आंसर आया एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। अब एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं, अगर क्वाड्रेटिक होती तो फिर हम इसको चेक करते ये सर्कल की इक्वेशन है, पैराबोला की, हाइपरबोला की है, ये एक लाइन की इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। अब हमने लाइन बतानी है कि वो लाइन किस तरह की है। अब इस लाइन में अगर आप देखें वाई वैल्यू नहीं है, इट मीन वाई किसके इक्वल है, टोटली जीरो है, तो ये कौन सी लाइन बनेगी, ये वर्टिकल लाइन बनेगी, यानी कि पैरेलल लाइन बनेगी वाई एक्सिस के, जो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री से अपवर्ड वाई साइड पे मूव करेगी। हो गया, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में करना यही है, तो क्वेश्चन में जो भी कंडीशन दी जाएगी उसको आपने नंबर लिखते हुए सॉल्व आउट करना है, सिंप्लीफाई करना है, जो भी कंडीशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग हमने इसे डिफाइन करना है। जैसे अब ये रियल वाला ही एक नंबर है, बल्कि इससे ऊपर वाला मैं नंबर पहले डिफाइन करती हूँ। आप लोगों की आगे क्लास है? क्लास तो है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बस इसे डिफाइन करती हूँ, लास्ट वन मिनट है। जी प्लस थ्री मॉडुलस प्लस जी प्लस वन मॉडुलस इज इक्वल टू फोर, यहाँ पे जी जो भी आप ले रहे हो ए बी या एक्स वाई उसके अकॉर्डिंग मॉडुलस लिया, बोथ साइड पे सिंप्लीफिकेशन की है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप देखें अगर आपके पास जो इक्वेशन आ रही है वो ये बन रही है 3x² + 4y² + 12x = 0। ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है, लाइन की इक्वेशन नहीं है, लेकिन हर फंक्शन या इक्वेशन कोई ना कोई किसी भी टाइप का ग्राफ उसका जरूर बनता है, यानी कि ग्राफ मीन लोकस कोई भी उसका एरिया जरूर बनता है x एक्सिस और y एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैम ये क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें जो जब कटिंग की है इधर 6 पार्ट्स बच रहे हैं जिनके 3 पेयर बनेंगे, मगर इधर 2 पेयर बने हुए हैं, ये कैसे हुआ? क्वेश्चन नंबर 15? जी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या प्रॉब्लम है? मैम उसमें जो बच रहे हैं ना सिंपलीफाई करने के बाद 6 यानी कि हिस्से हैं उसके और 3 उसके पेयर बनेंगे, तो उधर 2 पेयर शो हो रहे हैं कटिंग करने के बाद। इसकी बात करें जी मैम यही है, कटिंग करने के बाद आपके पास 4 पेयर आ रहे हैं, एक जो मैंने अभी हाईलाइट किया, दो ये मैम ये उस नोट से कोई अलग नोट से ये जो आपने पहले सेंड किए थे इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या होगा, इसमें डिफरेंट है, वहां पे कटिंग नहीं की हुई, यहां पे मैंने कटिंग की हुई है जी, इधर डिफरेंस है उनमें और इनमें।
मैं आपको वो नोट्स भी शो करा देती हूं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हो आप? जी यही है मैम, यही क्वेश्चन। ठीक हो गया मैम, ये वाला नोट सेंड कर दें थोड़ा सा। ओके मैं ये भी सेंड कर देती हूं। चलें, थैंक यू। क्वेश्चन यही है वहां पे 15 में भी देखते हैं। यहाँ पे उसने कैंसिल किया है तो सिर्फ उसने इसको शो कर दिया कैंसिल करके कि ये कैंसिल हो रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर जो कैंसिलेशन हो रही है वो इन दो नंबर्स की भी कैंसिलेशन हो रही है। यहाँ पे उसने साइन मिस्टेक कर लिया, बस ये दो कटिंग कर दी है और ये दो कटिंग किसके साथ हो रहे हैं? ये इन दोनों के साथ कटिंग हो रहे हैं, ये इन दोनों के साथ। ठीक है, जो उसने कटिंग की लाइन शो नहीं की बस, अदरवाइज कटिंग ये भी हो रही है। यहाँ पे भी सिर्फ फोर एलिमेंट्स ही रह रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक। अब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? हाँ मैम।